हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी अपन लोग आए हुए हैं भाई सांची। ये कुछ इधर का व्यू है। और अभी जो है कोरोना की वजह से पब्लिक तो शायद कम दिखने वाली है, लेकिन गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी, तो देखते हैं अभी चल के भाई कैसा क्या सीन रहता है। और अगर तुम लोग आते हो तो इधर एंट्री गेट पर आपको जो जहाँ पहले टिकट मिलता था वहाँ टिकट मिलना बंद हो गया है। तो आप ऊपर आएंगे, बार कोड स्कैन करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन टिकट बुक होता है। और हम 6 लोगों का लगभग 254 रुपये कुछ लगा है। तो अभी देखते हैं भाई आगे चल के, और आगे का सीन आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। लाइट शो होता है यार रात में, ऊपर भीड़ लगी हुई है। हम लोग सोच रहे थे कि कोई नहीं है, लेकिन अभी आगे की तरफ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है ऊपर भी। और हम लोग इधर आए ऊपर की तरफ, तो यहाँ कुछ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कुछ ऐसे हैं। रैबिट्स भी हैं इधर बहुत सारे, ये देखो। अरे ये तो मेरी आवाज़ सुन रहा है। राम ये क्या है? ऐसा कुछ सीन है। और ये लड़का बोल रहा है कि भाई इधर ऐसी स्टोरी बताई जाती है कि इसके अंदर गोल्ड भरा हुआ, सोना छुपा के इनको ये सब बनवा दिया था, ये टापू बना दिए गए सोना छुपाने के बाद। ये सुना था मैंने, ये रियलिटी है कि नहीं ये आप लोग बता देना, जैसा भी आपको मालूम पता हो किसी को तो भाई कमेंट करो धड़ल्ले से बता देना। और फिर चलते हैं वो बड़े वाले में जहाँ पे सोने की खदान होगी बहुत बड़ी भाई। सत्येंद्र भाई के हिसाब से इधर ये गोल्ड ही गोल्ड भरा पड़ा है इधर। ये पत्थरों के अंदर गोल्ड भरा है। सर पे जो आप देख रहे हो ना, बहुत सबसे ज्यादा भरा होगा, 5-8 डायमंड भी होगा। चलो देखते हैं आगे चल के। तो भाई अभी आगे का सीन ऐसा है, और ये पहाड़ बड़ा वाला सीन, पहाड़ बता। और यहाँ से देख लो पहाड़ बैकग्राउंड। अरे पहाड़ कहाँ है भाई? गाइस बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड में ब्लॉक कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ये अपना मोटा इधर बोल भाई। hey! आप लोग भी आइए कभी हवेली पे। मोटा तो ये इधर के ऐसा सीन है भाई। और अभी चल के देखते हैं ऊपर क्या है। चलो ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है इधर सीन के ये पैर मारा हुआ है मुंडियों पर, चल रहा है ऊपर, और ये पैर जैसी शक्ल का आदमी मेरे साथ आया हुआ है। अरे पानी वानी क्यों? सोना तो भाई खराब हो गया होगा ब्रो, सोने के अंदर से पानी आ रहा है ब्रो इधर। अरे एक लेता नरसिंहगढ़ में, इसके अंदर सोना है लेकिन मेरे साथ मेरा खरा सोना है। ये स्तूप घूमा और उधर वो छोटा वाला स्तूप, और उसके बाद में सीन कुछ ऐसा है। आगे बढ़े तो भाई इधर मंदिर बना हुआ है बौद्ध पोज में फोटो खिंचवाने वाला। तो भाई इधर नीचे आने के बाद उधर मिला स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल के बाद ये मिला इधर खाली खाली सा पड़ा है। क्या है? ये देखो, ये मतलब हाइड एंड सीक खेलने के लिए बनाई गई जुगाड़ है। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर से स्विमिंग पूल घूमते हुए इधर आए नीचे। ज्यादातर लोग इधर नहीं आते हैं, लेकिन हमें ब्लॉक कवर करना था पूल, तो हम लोग नीचे आए। और इधर आपको नीचे आके झरना मिलेगा और थोड़ा सुकून मिलेगा। तो सत्येंद्र भाई काफ़ी देर से बैठा हुआ था, तो उससे पूछ लो आखिर कैसे सुकून मिल रहा है इधर। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, बहुत मज़ा आया। हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले से, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे माहौल है, ठंडा भी थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से आते हैं तो थक जाते हैं अपन। पूरा चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आइए, यहाँ पे बैठ के पीजिए तो चिल मारो इधर आके, चिल एकदम मज़ा आएगा। बाकी और ये वीडियो इधर अपन लोग कर रहे हैं ख़त्म, और मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं, लेकिन आप आ रहे हो तो इधर का भी मज़ा लेके जाना पूरा। और ये वीडियो को भाई लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो।